नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जियो का टॉप फोर मोबाइल लेके आए, तो गाइस देख सकते हैं आज हमारे पास यहाँ पे जियो का टॉप फोर मोबाइल है, जो कि इसमें आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब सारे फीचर्स ऑफर मिलेंगे। साथ में अपनी पुरानी जियो की सिम डाल पाएंगे। और आपको मैं बता दूँ इसमें आपको कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है। अगर आप जियो का फ़ोन लेना चाहते हैं और कन्फ्यूज हो रहे हैं कौन सा फ़ोन लें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार मॉडल हैं, न्यू मॉडल हैं। इन सभी फ़ोनों को अनबॉक्स करूँगा और आपको ये बताऊँगा इनमें से सबसे बेस्ट फ़ोन कौन सा है, जिसमें आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब सारी चीज़ें चलेंगी। साथ में आपको ऑफ़र मिलेगा, अपनी पुरानी जियो सिम डाल सकते हैं, उसमें आपको कितने का रिचार्ज कराना, कितने का ऑफ़र मिलेगा, सभी चीज़ें डिटेल के साथ बताएंगे। तो चलिए इन सभी फ़ोनों को करते हैं अनबॉक्स और आपको कंपेयर करके दिखाते हैं कि कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है जिसमें आपको सारे फीचर्स ऑफ़र मिल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं जियो का, जिसमें आपको सारे फीचर्स ऑफ़र मिले, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। और चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो गाइस मैंने मोबाइल कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जियो का फ़ोन लेना है, कौन सा वाला लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप फाइव मोबाइल है, टॉप फोर मोबाइल है, जिसमें नए फ़ोन आपको मिलेंगे। जियो प्राइमा 2 है, जिसमें एक साल की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलेगी। साथ में आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चलाने को मिलने वाला है। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखाएंगे टॉप फोर में से कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है। यहाँ पे V2 भी आया हुआ है और यहाँ पे V1 आया हुआ है। तो चलिए सबको एक एक करके आपको दिखाते हैं, सभी को अनबॉक्स करूँगा। जो फ़ोन आपको अच्छा लगेगा वही फ़ोन आपको परचेज करना है, जिसमें आपको ऑफर, फीचर्स भी आपको सारी डिटेल से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जियो का V1 4G नाम से। इसका बॉक्स मैं देख सकते हो पूरा ओपन किया हुआ है और आपको अगर मोबाइल दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके की कंडीशन में मिल जाता है। दूसरा यहाँ पे मोबाइल है V2 4G नाम से, नया आया हुआ है, जिसका बॉक्स मैंने पूरा ओपन किया हुआ है और अगर मॉडल दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं दोनों में बहुत ही फ़र्क आपको नज़र आएगा, दोनों मॉडल बिल्कुल अलग है। अभी तीसरा मोबाइल है जियो प्राइमा 2, एक साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ में, जिसमें आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब सभी चीज़ें चलेंगे। साथ में आपको ऑफर भी बताएंगे। तो आप देख सकते हैं ये बॉक्स भी ओपन किया हुआ है और आप मोबाइल देखेंगे तो कुछ इस तरीके की पैकिंग में आपको मिल जाता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। चलिए आपको और दिखाते हैं। इसके साथ हमें बुकलेट भी मिल जाती है, वो कि 3-4 बुकलेट मिलती है, जिसमें वो सारी चीज़ें मेंशन की हैं किस तरीके से आपको मोबाइल चलाना है। चलिए आपको चौथा मोबाइल दिखाते हैं। अगर आप ये वाला लेना चाहते हैं, जियो का ग्रीन बॉक्स है, जिसमें आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब सारी चीज़ें चलती हैं, तो आप ये मोबाइल भी देख सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे हम बैटरी डाल के दिखाते हैं सभी फ़ोनों में कौन से फ़ोन में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो पहले आपको थोड़ा सा ये मोबाइल दिखा देते हैं, जियो प्राइमा 2 है, जिसके अंदर हमें डिस्प्ले साइज़ की बात करेंगे तो कर्व डिस्प्ले में ये नया फ़ोन आया हुआ है, जिसमें जियो लिखा हुआ है और हेलो जियो का फंक्शन मिल जाता है, जिसमें आपको गूगल पे कोई भी कमांड देंगे तो ये आपसे आपको कोई भी सॉन्ग वगैरह प्ले करने को मिल जाएगा। इसके बाद इसके कीपैड की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल भी हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है जैसे कि पुराने फ़ोनों में होती थी। अभी मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे फ्रंट और बैक में कैमरा आपको मिलेगा, जिससे आप वीडियो कॉलिंग इसमें कर पाएंगे। एक यहाँ पे बैक साइड में हमें 0.3 MP का डिजिटल कैमरा मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं जियो लिखा हुआ नज़र आएगा। ऊपर के साइड में अगर मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे, तो एक टॉर्च मिल जाएगी और सबसे नीचे की साइड बात करेंगे तो V8 का चार्जर और 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। इसी तरीके से इन सभी फ़ोनों में आपको यही मिलेगा, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक है, पीछे के साइड में स्पीकर है, जियो लिखा हुआ है और आप डिस्प्ले साइज देखेंगे तो 2.4 इंच का डिस्प्ले है। और ये लुक वाइज में आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ये जो तीन फ़ोन आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल भी हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं है। इसके बटन कीपैड काफ़ी ज़बरदस्त हैं, चलाने में भी अच्छा लगेगा और वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ोन है। तो चलिए आपको एक बार यहाँ से हम दिखाते हैं आपको बैटरी डाल के। तो बैटरी डालने से पहले मैं आपको बताऊँगा इस फ़ोन में हमें क्या क्या मिल जाता है साथ में। तो ये जियो का प्राइमा 2 है, इसको भी मैं एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें एक चार्जर मिल जाता है जो कि बॉक्स के अंदर है और एक यहाँ पर बैटरी मिल जाती है 2000 mAh की। इसी तरीके से दूसरा फ़ोन भी है, ये फ़ोन हमारे को मिल जाता है V2 4G नाम से, जिसमें हमें एक चार्जर, बैटरी और यहाँ पे 2000 mAh की बैटरी और एक बुकलेट मिल जाती है। चलिए इसमें भी बैटरी हम डालेंगे और आपको दिखाते हैं कैसे ये फ़ोन चलता है और क्या क्या फ़ीचर्स मिल जाते हैं। सभी फ़ोनों में एक साथ बैटरी डालेंगे, इसलिए आपको सारे फ़ोन एक बार दिखा रहा हूँ, फिर मैं सभी फ़ोनों में एक साथ ही बैटरी डाल दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये V1 4G नाम से फ़ोन है, इसमें भी बैटरी डालता हूँ। आपको लुक वाइज देखना है तो आप इस तरीके से देख पाएंगे गाइस, ठीक है। चलिए इसमें भी दिखाते हैं, तो यहाँ पर हमें बैटरी मिल जाती है, एक चार्जर मिल जाता है और हमें बैटरी डाल के आपको दिखाते हैं। साथ में मैं आपको चौथा मोबाइल दिखाऊंगा, जिसमें हमें ग्रीन बॉक्स मिल जाता है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है। इसको भी मैं एक बार बैटरी डालता हूं, तो इसमें भी हमें 2000 mAh की बैटरी मिल जाती है और बुकलेट मिल जाती है। चलिए एक बार सभी फ़ोनों में बैटरी डालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस बैटरी डालने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर जियो का ग्रीन बॉक्स है, F220B मॉडल नंबर है, इसमें हमें रीफर्बिश और न्यू मोबाइल दोनों आता है और ये देख सकते हैं इसमें एक सिम एक मेमोरी कार्ड डलता है। ये 2000 mAh की बैटरी है, मैं एक बार यहाँ से डाल देता हूँ। तो चलिए ये फ़ोन यहाँ से चालू कर दिया। अभी
दूसरा फ़ोन है जियो प्राइमा 2, उसको भी मैं एक बार चालू करता हूँ तो इसमें भी आपको बताता हूँ। एक सिम एक मेमोरी कार्ड डालना है, एक साल की वारंटी है और ये देख सकते हैं जियो प्राइमा 2 है, 2000 mAh की बैटरी है। मैं इसमें भी एक बार डाल देता हूँ, देखो सभी फ़ोनों को एक बार चालू कर देता हूँ तो जिससे कि हमें जल्दी से समझ में आना चाहिए कौन सा फ़ोन हमें लेना चाहिए। तो ये दो फ़ोन चालू हो गए, तीसरा भी कर देता हूँ। तो जियो का V2 4G नाम से, इसमें भी अगर आप ये डालते हैं तो 2000 mAh की बैटरी है, एक सिम एक मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं। तो चलिए इसको भी यहाँ से चालू कर देता हूँ, ये दो फ़ोन चालू हो रहे हैं। जियो प्राइमा 2 देखो पुराने जियो के फ़ोन के जैसा ही चालू होता है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जियो लिख के आता है और जियो का भारत वाले में जियो भारत लिख के आता है। तो इसका लुक वाइज भी आप देख सकते हैं अलग है और इनका अलग है। तो चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं। यहाँ पे जियो का ग्रीन बॉक्स है, अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब और जियो सावन, जियो सिनेमा और यहाँ पे वीडियो कॉलिंग करने के लिए फ्रंट और बैक में दोनों साइड कैमरा आपको मिलेगा और ये व्हाट्सअप वगैरह आप सारी चीज़ें इसमें इजीली चला पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फ़ोन आपको रिफर्बिश और न्यू में दोनों आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आप ऑफलाइन परचेज करना तो आपको ईजिली ये परेशानी नहीं होगी, आप ईजिली खरीद पाएंगे। तो इसमें वाईफाई, वीडियो कॉलिंग ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। साथ में मैं आपको दूसरा फ़ोन भी दिखाऊंगा जिसमें हमें कौन सा, अब अच्छा मैं आपको बताऊंगा कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है। ये जियो प्राइमा 2 है जिसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे फेसबुक चलाना है तो फेसबुक चलाएंगे, जियो टीवी फेसबुक इस तरीके से आप ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं। तो इसको हम काट देते हैं, अभी आपको यहाँ दिखाते हैं। जियो सिनेमा है, जियो सावन है, जियो टीवी है, जियो म्यूजिक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। साथ में मैं आपको और दिखा देता हूँ इसमें और क्या क्या मिल जाता है। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स मिल जाता है, यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन है और यहाँ पे हेलो जियो का फंक्शन इसमें भी मिल जाता है। आप कोई भी चीज़ गूगल से इजीली यहाँ पे गूगल से मंगा सकते हैं। इंटरनेट ब्राउजिंग भी है, आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लॉगिन करना चाहेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे और ये चलाने में भी बहुत ही सॉफ्ट चलता है गाइस। तो हैंगिंग की प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। इनमें हमें माई जियो का फंक्शन मिल जाता है और जियो टू जियो वीडियो कॉलिंग बिल्कुल फ्री है और यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसमें UPI पेमेंट करते हैं तो आप UPI पेमेंट कर पाएंगे, स्कैनिंग करके भी करेंगे और नॉर्मल पेमेंट भी आप इसमें कर पाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं कैमरा मिल जाता है जो कि डिजिटल कैमरा है। मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ, इस तरीके से चलेगा तो ये कैमरा भी साफ सुथरा आता है। इसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ पे जियो सावन है जिसमें आपको 8 करोड़ गाने सुनने को मिलेंगे, ये देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जियो सिनेमा है, जियो टीवी है, UPI पेमेंट है और यहाँ पे जियो सावन जिसमें 8 करोड़ गाने हैं और ये सारी चीज़ें जियो चैट वगैरह ये अनलिमिटेड बिल्कुल फ्री है। आप यूट्यूब चलाएंगे तो आप इसमें यूट्यूब भी चला पाएंगे, ये इस तरीके से चल जाता है। तो ये फ़ोन में हमें काफ़ी कुछ अच्छा लगा। ये फ़ोन आता कितने का ये बताता हूँ, इसमें और दिखा देता हूँ आपको। 512 की रैम है, 4GB इंटरनल मेमोरी कार्ड है, 0.3 MP का कैमरा है और यहाँ पे 2000 mAh की बैटरी है, HD वॉइस कॉल कर सकते हैं, GPRS सिस्टम है, 4G इंटरनेट ब्राउजिंग मिल जाता है, 2.4 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। इसी तरीके का ये फ़ोन की MRP 4199 रुपये, लेकिन ये अमेजोन का मैंने लिंक दिया वहाँ पर ये फ़ोन आपको मिलेगा 2799 रुपये का गाइस, ठीक है। तो आपको मैंने दिखा दिया यहाँ पे, ये वाला फ़ोन अगर ग्रीन बॉक्स लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन लेंगे और आप इसको भी चाहें तो ऑफलाइन ले सकते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से रेट को पता करना है। अब मैं आपको यहाँ पे दो फ़ोन और दिखा देता हूँ जिसमें आपको व्हाट्सअप और फेसबुक, यूट्यूब तीनों चीज़ें नहीं चलती हैं लेकिन हैंगिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। 1299 रुपये का फ़ोन है और इसमें UPI पेमेंट, जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सावन ये सारी चीज़ें इसमें भी हमारे को चलाने को मिल जाती हैं। तो ये दोनों फ़ोन कुछ इसी तरीके से थे जो मैंने आपको दिखाए। चाहो तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं 1299 का। इसमें अगर पुरानी सिम डालते हैं तो 123 रुपये का हर महीने रिचार्ज कराना है। तो ये वाले व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब वाला फ़ोन था, ये विदाउट व्हाट्सअप वाला था, ये 1299 का है, ये 2799 रुपये का है और ये वाला आप ऑफलाइन पता कर लेना, ये 1500 रुपये का भी आता है, 1000 का भी आता है, 799 का भी आता है, ठीक है। तो ऑफलाइन आप पता कर लेना, जो भी आपको फ़ोन अच्छा लगे वही फ़ोन आप परचेज कर सकते हैं। तो मैंने आपको तीनों फ़ोन दिखा दिए, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट कर लेना, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।